बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू दी समरी लेक्चर ऑफ आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज मुर्तजा कायद, फैकल्टी मेंबर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज के लेक्चर में कैफ 5 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के लेवल पे आईएफआरएस 9 का एरिया जो कैफ 5 के कोर्स का पार्ट बनाया गया है उसका हम एक क्विक रिकैप देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करे और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करे, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के एग्रीमेंट को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हो। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता है। अब अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट है तो फाइनेंशियल एसेट में दो तरह की फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं, वन इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड द अदर वन इज डेट इन्वेस्टमेंट। और अगर आपके पास दूसरी तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है तो इसमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करता है तो या तो ये एट अमोर्टाइज कॉस्ट या फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लासिफाई किया जाएगा। सबसे पहले बात करें अगर फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के रूल्स की, तो फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के रूल्स हमने समरी डायग्राम में समराइज किए थे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो फिर हमने ये देखना है कि इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए परचेस किया है, यानी कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स, किसी कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बाय किए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। इफ यस, तो आप इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे। अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है और वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है इसका मतलब है कि आपने कोई बिजनेस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको इजाजत देता है कि आप चाहो तो इसे ओसीआई कैटेगरी में रखो, आप चाहो तो इसे पीएनएल कैटेगरी में रखो। अगर एंटिटी इलेक्ट करती है ओसीआई ऑप्शन, ये जानते हुए कि ओसीआई ऑप्शन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में इररिवोकेबल होगा, यानी कि अगर आपने अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एक दफा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया तो सब्सिक्वेंटली ये रिक्लासिफाई होकर पीएनएल कैटेगरी में नहीं जा सकता। अगर एंटिटी ओसीआई ऑप्शन इलेक्ट करती है जो कि इररिवोकेबल है तो फिर हम इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में रख देंगे। और अगर कंपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के हवाले से ओसीआई मॉडल ऑप्ट नहीं करती तो फिर हम इस इन्वेस्टमेंट को भी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये डेट इन्वेस्टमेंट होगा। अब डेट इन्वेस्टमेंट के केस में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपकी डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आर द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस ऑफ द डेट इन्वेस्टमेंट सोलली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट? इफ नो, अगर आपके डेट इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट के अलावा कोई और कैश फ्लोस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रख देंगे। अगर डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट यानी कि एसपीपीआई को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव क्या है। इज द कंपनी बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस ओनली? अगर कंपनी ने एक डेट इन्वेस्टमेंट जिसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के है इस ऑब्जेक्टिव से परचेस किए कि कंपनी सिर्फ इनके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को ही कलेक्ट करेगी, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कैश फ्लोस को ही कलेक्ट करेगी, या दूसरे अल्फाजों में कहूं तो मैं डेट इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा। इफ यस, तो फिर हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में रखेंगे। इफ नो, तो फिर हमने देखना है कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल कर देना है, यानी कि कंपनी एक डेट इन्वेस्टमेंट परचेस करती है इस ऑब्जेक्टिव से कि हम इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को तो कलेक्ट करेंगे लेकिन अगर हमें कभी पैसों की जरूरत मिली हुई या हमें बहुत अच्छी फेयर वैल्यू रिकवरेबल हुई तो हम इस इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी से पहले बेच भी सकते हैं, तो फिर इस इन्वेस्टमेंट को आप डेट इन्वेस्टमेंट फेवर थ्रू ओसीआई कैटेगरी में रख दोगे। और अगर आपका बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस भी कलेक्ट करना ना हो और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल करना भी ना हो तो फिर इस केस में हम इसे रेजिडुअल कैटेगरी डेट इन्वेस्टमेंट फेवर थ्रू पीएनएल कैटेगरी में लेकर चले जाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल एसेट अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन होगी, या तो फेवर थ्रू ओसीआई या फेवर थ्रू पीएनएल। और अगर फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है तो इसमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, या तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट,
या फेवरेबल थ्रू ओसीआई या फेवरेबल थ्रू पीएनएल, और इन सारी क्लासिफिकेशन के जो रूल्स थे वो हमने इस डायग्राम में समराइज किए थे। अब नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास फाइनेंशियल एसेट से पर्टेनिंग सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस टेबल डायग्राम में समराइज्ड है, किसको इनिशियली किस तरह से मेजर किया जाएगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड एक्सेट्रा। तो हमारे पास कॉलम फॉर्म में डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आ रही हैं और डिफरेंट कॉलम्स में हमारे पास डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, या तो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेवरेबल थ्रू ओसीआई या इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेवरेबल थ्रू पीएनएल। डेट इन्वेस्टमेंट के केस में तीन क्लासिफिकेशन थी, फेवरेबल थ्रू पीएनएल, फेवरेबल थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट, यानी कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली किस तरह से मेजर करोगे। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट फेयरवैल्यू थ्रू ओसीआई या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल है, तो इस केस में हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे प्लस फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइज होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयरवैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी है या डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयरवैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी है, तो हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे इनिशियली कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तो इनिशियल मेजरमेंट ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी के केस में फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और पीएनएल मॉडल के केस में फेयर वैल्यू। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या थी कि ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज हो रही थी, जबकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करें तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल के नाम से ही समझ आ जाता है। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन्वेस्टमेंट है तो इसे सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो भी सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे। डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई केस में सब्सिक्वेंटली ईयर एंड पे इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। और डेट इन्वेस्टमेंट अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में है तो हम इसे ईयर एंड पे अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर कर रहे होंगे। अब जिस जिन कैटेगरीज में हम अपनी इक्विटी या डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे, यानी कि हर ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, तो फेयर वैल्यू के गेन और लॉस की ट्रीटमेंट। सर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओसीआई के केस में फेयर वैल्यू गेन और लॉस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में जाएगा, गेन और लॉस। डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में, और डेट इन्वेस्टमेंट ओसीआई मॉडल में फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में। अगर डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में है तो फिर इस केस में तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस अराइज ही नहीं होगा। एक एडवांस कॉन्सेप्ट है इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड, लेकिन ये सीए फाइनल लेवल पे रेलिवेंट है, आपके लेवल पे ये रेलिवेंट नहीं, तो इसे हम फॉर द टाइम भी इग्नोर कर सकते हैं। आईएफआरएस 9 के साथ अगर हम IAS 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट को कवर करें, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारी नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं और डेट इन्वेस्टमेंट हमारी मॉनिटरी आइटम्स हैं। डेट इन्वेस्टमेंट्स अगर मॉनेटरी आइटम है तो इस पे जो फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस आएगा ये आपका तीनों ही कैटेगरीज में पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। क्योंकि मॉनेटरी आइटम पे फॉरेन करेंसी गेन और लॉस को हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज करते हैं, तो डेट इन्वेस्टमेंट बीन मॉनेटरी आइटम, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, चाहे वो अमोर्टाइज कॉस्ट हो, इसका फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी आइटम है। नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में फॉरेन करेंसी गेन और लॉस को हम वहीं पे रिकॉर्ड करते हैं जहां फेयर वैल्यू गेन और लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो चूंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस भी ओसीआई में रिकॉर्ड होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा है, तो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस भी पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें सब्सिक्वेंटली डिविडेंड रिसीव होगा, तो डिविडेंड दोनों ही कैटेगरीज में हम पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे फेवरेबल थ्रू ओसीआई हो, चाहे फेवरेबल थ्रू पीएनएल हो। और डेट इन्वेस्टमेंट के केस में हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, तो तीनों ही केसेस में हम अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को यूजिंग आईआरआर मेथड हम पीएनएल में कैलकुलेट करके पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल हो, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई हो, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल हो, तीनों ही केस में इंटरेस्ट इनकम एज पर द आईआरआर मेथड हमारी पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगी। जब फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट को अपने रेलेवेंट क्लासिफिकेशन मॉडल के हिसाब से रीमेजर किया जाएगा। यानी कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोजल डेट पे, डीरिकॉग्निशन डेट पे पहले फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है तो हम अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आएंगे ऑन द डिस्पोजल डेट, ऑन द डीरिकॉग्निशन डेट। और जो आप ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू या अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आओगे, इस फेयर वैल्यू गेन और लॉस का वही ट्रीटमेंट होगा जो कि रेलेवेंट क्लासिफिकेशन मॉडल में फेयर वैल्यू के गेन और लॉस की ट्रीटमेंट की जाती है। यानी कि डिस्पोजल डेट पे हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को पहले फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, जो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा वो ओसीआई में जाएगा।
फिर डिस्पोजल के वक्त अगर कोई फर्दर गेन और लॉस आता है तो ये हमारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। इसी तरह इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर थ्रू पीएनएल के केस में हम डिस्पोजल पे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे लाएंगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल पे जाएगा, और फिर फर्दर कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आता है तो ये पीएनएल में जाएगा। डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को डीरिकॉग्नाइज करते वक्त पहले फेयर वैल्यू पे लाएंगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में जाएगा, फर्दर गेन और लॉस ऑन डीरिकॉग्निशन पीएनएल। डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को डीरिकॉग्नाइज करते वक्त पहले फेयर वैल्यू पे लाएंगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में जाएगा, फर्दर कोई गेन और लॉस आता है तो पीएनएल में जाएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट इन्वेस्टमेंट को पहले अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आएंगे, और फिर जो भी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा ये पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। और लास्ट बात कि अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अगर ओसीआई का रिजर्व रिकॉर्ड किया है तो सब्सिक्वेंटली इस इन्वेस्टमेंट की डिस्पोजल पे इस ओसीआई के रिजर्व को किन केसेस में हम पीएनएल में रिसाइकल कर सकते हैं। देखिए अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी है या अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी है तो इसमें तो ओसीआई का रिजर्व होगा ही नहीं, तो यहां पे मैंने रिसाइकलिंग के आगे लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो इन केसेस में हमने पास्ट में फेयर वैल्यू का रिजर्व रिकॉर्ड किया होगा। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो भी आपका ओसीआई का रिजर्व है ये पीएनएल में रिसाइकल नहीं होगा, ये डायरेक्टली इक्विटी में क्लोज हो जाएगा। लेकिन डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो भी हमारा ओसीआई का रिजर्व होगा इससे हम रिसाइकल कर रहे होंगे पीएनएल में, और ओसीआई के रिजर्व को पीएनएल में हम रिसाइकल कर रहे होंगे। तो यहां तक हमारे पास फाइनेंशियल एसेट से पर्टेनिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास दैट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में दो तरह की क्लासिफिकेशन थी, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट था या फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल था। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी, अगर तो आपकी लायबिलिटी डेरिवेटिव लायबिलिटी है या आपने कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्वायर की है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी लोग ट्रेडिंग करके इनकम कमा रहे होते हैं, या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई डेरिवेटिव लायबिलिटी है, तो इस केस में आप अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रखोगे। अगर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी डेरिवेटिव लायबिलिटी नहीं है या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने ट्रेडिंग के लिए एक्वायर नहीं किया तो ये जनरली आपके नॉर्मल लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह हो सकते हैं जिसे आप मैच्योरिटी डेट पे करोगे। इस केस में स्टैंडर्ड आपको इजाजत देता है, ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो अपने नॉर्मल फाइनेंशियल लायबिलिटीज को भी चाहो तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में रखो, चाहो तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में रखो। इज इट डेजिग्नेटेड अंडर द फेयर वैल्यू ऑप्शन, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू ऑप्शन यानी कि फेयर वैल्यू पे रखना चाहते हो तो फिर आप इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ले जाएंगे, अदरवाइज हम इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में मेजर कर रहे होंगे। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल लायबिलिटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो इसको भी हमने समराइज किया है। इनिशियल मेजरमेंट, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, यानी कि इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में हम अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को हर ईयर एंड पे हर रिपोर्टिंग डेट पे अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में हम हर रिपोर्टिंग डेट पे अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। चेंज इन फेयर वैल्यू का क्या करना है, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है तो फेयर वैल्यू पे मेजर ही नहीं किया जाएगा तो चेंज इन फेयर वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस है तो फिर फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में जाएगा। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज आता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से नहीं, आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, आपकी कंपनी की क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से, तो क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा वो पीएनएल में नहीं बल्कि ओसीआई में मेजर होगा। फिर इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ IAS 21 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट को कवर करें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी मॉनेटरी आइटम्स हैं, चाहे वो अमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, मॉनेटरी आइटम पे जो भी फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगा, चाहे वो अमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो। और लास्ट, फाइनेंशियल लायबिलिटी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, यूजिंग IRR मेथड, वो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल और पीएनएल मॉडल दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस आप पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो यहां तक हमारे पास K5 लेवल पे FER2 लेवल तक जितनी बातें IFRS 9 के स्टैंडर्ड में रेलेवेंट थी एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हमने आज के इस लेक्चर में कवर की है। आई होप कि ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।